आज का अपना टॉपिक है एडिशन ऑफ फ्रैक्शन यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड। जब हम फ्रैक्शन का एडिशन करते हैं तो हम दो तरीके से कर सकते हैं, फर्स्ट क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड यूज करके या फिर एलसीएम फाइंड आउट करते हैं। तो उसमें से हम जो फर्स्ट मेथड है कि क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड, वो आज हम देखेंगे। उसके लिए हमने एक एग्जाम्पल लिया है 12/8 एडिशन 7/5। इन दो फ्रैक्शन को आपको एड करना है, बट उसके लिए आपको कौन सी मेथड यूज करनी है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो क्या करना होता है, यहाँ का जो न्यूमरेटर होता है उसको आपको इसके डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करना होता है। तो 12/5 = 60 और यहाँ का जो डिनोमिनेटर है उसको आपको यहाँ के न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करना है। तो 8/7 = 56 और बाद में जो डिनोमिनेटर होते हैं आपको उनको मल्टीप्लाई करना होता है। तो 8/5 = 40। अभी यहाँ पर जो दो न्यूमरेटर में आपको ये जो दो आंसर मिले हैं उनको आपको क्या करना है, एड करना है। तो 60 + 56 = 160/40। तो इस तरीके से आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड यूज करके एडिशन ऑफ फ्रैक्शन कर सकते हो। थैंक यू।